चलिए दोस्तों, तो आज हम आपका स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8.1। ठीक है दोस्तों, तो त्रिकोणमिति का चैप्टर जो है आपका 8.1 आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग भी केसी सिन्हा के बुक को निकालिए, केसी सिन्हा के बुक से चैप्टर 8.1 त्रिकोणमिति। चलिए तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए, समझना है, बेसिक समझना है। सबसे पहले दोस्तों एक ट्रायंगल दिया हुआ है। देखिए, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका नाम रखा गया है ए बी सी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहां एंगल बन रहा है, यह है 3, 4, 5। अब देखिए क्या निकाले बोल रहा है, साइन सी, कॉस सी, टेन सी। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कैसे निकलता है सीखिए। कितना सिंपल दोस्तों, पहले बोला देखिए साइन सी 90 है, इसके सामने वाला ये क्या हो गया एच, इसके सामने वाला ये क्या हो गया दोस्तों एच। अब देखिए सी बोला है, सीखिए कितना आसान है, मतलब मजा आ जाएगा सीखने में। सी बोला है तो देखिए सी बोला तो सी मतलब यहां है सी, सी मतलब ये वाला कोण, सी मतलब ये वाला कोण। तो जो कोण बोले आपको हम सिखाए ना, जो कोण बोले उसके सामने वाला क्या होगा पी और नीचे वाला बी। अब देखिए साइन का सूत्र क्या होता है बाबू, पी बाय एच। पी कितना है 3, एच कितना है 5, हो गया आंसर, बताइए हर लगा। दूसरा देखिए कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाय बी, कितना है दोस्तों 4, और एच कितना है 5, हो गया आंसर। टेन सी, टेन का फॉर्मूला पी बाय बी, पी का वैल्यूशन कितना है 3, और बी का वैल्यूशन कितना है 4, हो गया। ठीक है, चलिए अब दोस्तों चलते हैं साइन ए। देखिए ए, साइन का फॉर्मूला पी बाय, सीख लीजिए ए बोला ना दोस्तों, ए बोला है। अब सी का यूज नहीं करना, बोला है ए, ए मतलब ये वाला को, तो जो बोले उसके सामने वाला क्या होता है पी, अब बगल वाला बी। एच तो दोस्तों फिक्स होता है। अब देखिए साइन का सूत्र होता है पी बाय एच, देखिए ये पी है, पी कितना है 4, और एच कितना है 5। कॉस ए, कॉस का सूत्र क्या होता है बी बाय एच, बी कितना है दोस्तों 3, एच कितना है 5। टेन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाय बी, पी कितना है दोस्तों 4, और बी कितना है 3, हो गया आंसर, उतार ली दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो लड़का कॉल किया था समझा, वो कॉल किया था क्या, उसका बाल मोड़ा वाला है धंधा।
उससे बड़ा जगह है। चलिए हो गया दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, क्वेश्चन में फिर एक फिगर दिया हुआ दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन में फिर एक फिगर दिया हुआ है। नेम देखिए क्या है, ए बी सी, यहां 90 है, 3 4 5 निकालने के लिए बोला है, यहां एंगल बोल रहा है थीटा, अब बोल रहा है टेन थीटा और कॉस सी का वैल्यूएशन। देखिए कितना आसान है दोस्तों, सीखना दोस्तों, थीटा बोला ना, टेन थीटा, थीटा मतलब ये वाला कौन बोल रहा है, तो 90 के सामने वाला क्या हो गया एच, ये क्या हो गया पी, नीचे वाला क्या हो गया बी, तो टेन थीटा, थीटा देखो ये थीटा, इसके सामने वाला क्या हुआ, जहां कोण बने उसके सामने वाला पी और नीचे वाला बी, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, पी बाय बी, देखो पी कितना है 4 और बी कितना है 3, बताइए कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। अच्छा कॉस सी, फिर देखो सी, थीटा नहीं बोला, देखो उलझाने के लिए थीटा ना बोले, क्या बोला सी, अरे सी भी बोला तो क्या दिक्कत है, यही बोला कौन रहेगा ना, सी बोला तो ही यही वाला कौन रहेगा, ये वाला कौन रहेगा, तो इसके सामने वाला ये क्या हो गया, ये सामने वाला क्या हो गया पी और नीचे वाला बी, तो कॉस का सूत्र होता है बी बाय एच, बी कितना है दोस्तों 3, एच कितना है 5, हो गया आंसर। चलिए हो गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें फिर एक फिगर है, देखिए नेम दिया हुआ है ए बी सी, यहां देखिए एंगल बन रहा है थीटा, यहां 90 है, ये 13 है, ये 12 है, अब कहता है साइन थीटा और सेकंड है टेन ए माइनस कॉट सी। चलिए इस दोनों का मान निकालना है दोस्तों, सीखिएगा। अच्छा दोस्तों इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस क्वेश्चन में दो ही मान है दोस्तों, है ना, तीसरा अब्सेंट है, इस क्वेश्चन में दो ही मान है, तीसरा अब्सेंट है, अब बिना तीसरा निकाले आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं,
है ना। अब देख लेते हैं क्या क्या दिया है और क्या छूटा हुआ है। दोस्तों 90 जहां बने उसके सामने वाला एच। अब देखो जहां कोण बने, कोण यहां बन रहा है ना थीटा, जहां कोण बने उसके सामने वाला क्या होता है पी, और ये क्या होता है बी। देखो बउआ एच दिया है, बी दिया है, लेकिन पी नहीं दिया। सबसे पहले पी निकाल लेंगे। देखिए पी का सूत्र क्या होता है, पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब यदि आपको छोटा वाला निकालना है तो बड़े वाले का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए एच, एच कितना है दोस्तों 13, बी कितना है दोस्तों 12, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 में 144 गया 25, 25 का वर्गमूल कितना होता दोस्तों 5, अर्थात पी बराबर कितना गया दोस्तों 5। फॉर्मूला सीखिए, ठीक ना। यहां पर मान भी फॉर्मूला दिया जाता है, देखो आप बगल में लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसको आप चाहे तो बगल में लिख सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग को यही फॉर्मूले का यूजे करना है। अब देखिए पहला सवाल क्या बोला है, साइन थीटा, तो साइन का सूत्र क्या था दोस्तों पी बाय एच, पी, पी कितना लाए दोस्तों 5, एच कितना है 13, हो गया आंसर। दूसरा क्या बोलता है दोस्तों टेन ए, तो टेन का सूत्र क्या होता है दोस्तों पी बाय बी, कॉट सी, कॉट का सूत्र क्या होता है बी बाय पी। खाली फार्मूला का खेल है दोस्तों, है ना, टेन का फार्मूला पी बाय बी, कॉट का फार्मूला बी बाय पी। अब देखिए टेन ए बोला है ए, यहां इसको जरूर से देखना है, ए मतलब ये ए, तो इसके सामने वाला ये पी है, तो पी कितना हो गया 5, अब बी कितना हो गया 12। कॉट सी, सी बोला ना दोस्त, सी बोला, सी मतलब क्या हुआ, जब सी बोला तो ई वाला कौन, तो इसके सामने वाला ये क्या हो गया पी, और नीचे वाला क्या हो गया बी। ई वाला कौन दो बोला सी, तो सी मतलब ये सी, ठीक, तो जो कोण बोलेगा उसके सामने वाला क्या होगा पी। देखो जब बोला ये कोण, देखो बोला साइन थीटा, तो मतलब ये वाला कोण, इसके सामने वाला ये पी था, अब बोला ये तो इसके सामने वाला ये पी, ठीक ना, ये बी हो गया। तो देखो कॉट सी, तो बी हो गया कितना 5, अब पी हो गया कितना 12, प्लस माइनस क्या हो गया कितना आ गया, हो गया उतार
चलिए हो गया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। फोर का 2 देखिए, 1 आसान है, 4 का 2 देखिए क्या बोला है क्वेश्चन। त्रिभुज एबीसी में कौन सी इक्वल टू 90 है? देखिए बोला एक ट्रायंगल है दोस्तों, एक त्रिभुज बोला है दोस्तों, बना दिए त्रिभुज ठीक है, जिसमें बोला है कौन सी इक्वल टू 90। मान लीजिए ये ए, ये बी और ये सी। सवाल देखिए बोला है कौन सी इक्वल टू 90 है, और क्या बोला है ए बी इक्वल टू 29। ए बी इक्वल टू 29 है दोस्तों। फिर बोला है बी सी इक्वल टू 21, इसका मान है 21। तो और कौन ए बी सी, इस कौन का वैल्यूएशन दिया हुआ है थीटा। देखिए क्या निकालने बोला है, निकालने बोला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। अब चलिए कैसे निकालते हैं सीखिए। सबसे पहले दोस्तों आप क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिए सीखिए। बुआ यहां देखो, त्रिभुज में 3 मान होता है, 1 2 3 होता है ना, ये दोनों मान तो दिया हुआ है। इसका मान कितना है 29, इसका मान कितना है 21, बट इसका मान दिया हुआ है क्या? नहीं ना, इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकालेंगे, लेकिन पता तो चले कि ये है क्या, ये 90 इसके सामने वाला ये हो गया है एच, तो ये क्या होगा। तो क्या सिखाए, पहले देख लो कि कौन सा कोण बोल रहा है। तो भाई यहां पर बोल रहा है थीटा, तो जहां कोण बने उसके सामने वाला क्या होता है पी। जब ये एच ये पी, तो नीचे वाला क्या हो गया बी। पी निकालना है दोस्तों, क्या निकालना है पी। हम आपको फॉर्मूला सिखा चुके हैं कि पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस, अरे बड़ा न छोटा घटा दो से इतने जानो, एच है दोस्तों 29 का स्क्वायर और बी है दोस्तों 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर होता है 841, 21 का स्क्वायर होता है 441, 841 में 441 गया दोस्तों 400, और 400 का वर्गमूल होता है 20। देखिए पी का मान कितना आ गया दोस्तों 20 आ गया ना। अब यहां देखेंगे कॉस, कॉस का सूत्र क्या होता है बच्चों बी बाय एच। यहां साइन, साइन का फॉर्मूला दोस्तों पी बाय एच। देखिए बी, बी कौन है दोस्त 21, बाय एच कितना है 29 का होल स्क्वायर, प्लस पी, पी कितना है 20, एच कितना है 29 का होल स्क्वायर। अब देखिए 21 का स्क्वायर होता है 441, 29 का स्क्वायर 841, 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841, भिन्न का जोड़ लघुत्तम लेंगे दोस्तों 841 लघुत्तम, ऊपर वाले को जोड़िए 441 जोड़ 400, 441 में 400 जोड़ दिए 841 बटे 841 कट गया, कितना आंसर आ गया दोस्तों 1 हो गया।
एक बार चिपको जतरा चलिए दोस्तों हो गया। अब आपको क्वेश्चन इसी का सेकंड पर ले चलते हैं। इसी में दोस्तों एक और क्वेश्चन है, आप देख सकते हो यहां पर सिर्फ क्वेश्चन नंबर टू में है, यहां पर सिर्फ प्लस की जगह पर माइनस कर दिया गया दोस्तों, है ना। एक और क्वेश्चन से आप सिर्फ प्लस की जगह माइनस, आपको भी कुछ नहीं करना, सिर्फ प्लस की जगह क्या कर देना दोस्तों, माइनस, है ना, प्लस की जगह माइनस। बस देखिए यहां पर चेंजिंग आ गया दोस्तों, 441 में 400 चला गया, 41/841 ये आंसर हो गया। उतार लीजिए इसको, चलिए दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसका 3 भी है दोस्तों, तो सेम क्वेश्चन है, उसमें भी तीन चार वैल्यूशन दिया हुआ है, एबी का वैल्यूशन, बीसी का वैल्यूशन, एसी का, सबका वैल्यूशन रखिए और सॉल्व कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 3 आप लोग बनाइएगा और चेक कराइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 नंबर है दोस्तों, एक फिगर दिया गया है, नेम है ए बी सी, ये एक परपेंडिकुलर लाइंस हैं, इसका नाम है दोस्तों डी, बुक में तो नहीं दिया बट रख दीजिए, ये 90, ये 90, ये भी 13 और ये भी 13 है, ये टोटल दिया हुआ दोस्तों 10। देखिए क्या निकालना है, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब कैसे निकालते हैं सीखिए। अच्छा एक और चीज दिया हुआ है यहां पर, एंगल दिया हुआ है थीटा का। चलिए दोस्तों कैसे निकालते हैं हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये गौर करो कि ये टोटल जो है, यहां फिगर आप समझिए, ठीक ना, ये टोटल है 10 पूरा, तो पूरा है 10 तो हाफ कितना हो गया 5, और ये भी हाफ कितना हो गया 5। गौर से देखो सीख जाओगे तुरंत, ये टोटल है 10 तो हाफ कितना हो गया 5, और ये भी हाफ कितना हो गया 5, और 5 कितना मिल सकते हैं 10। चलिए इस पर चलिए ना, इसी को हम देखिए, क्योंकि जो इधर होगा वही इधर के लिए,
इधर भी 13 तो इधर भी 13, इधर भी थीटा तो इधर भी थीटा होगा, ये भी 90 इधर भी, तो उधर भी, मतलब सेम है सेम है। आप इससे चले यहां पर थीटा बोल रहा है। अब गौर करो, ये 90 है ना, ये 90 तो इसके सामने वाला ये क्या हो गया एच, और जहां कोण बने उसके सामने वाला क्या होता है पी, और नीचे वाला क्या होता है बी। देखो एच दिया है, बी दिया है, लेकिन क्या पी दिया है नहीं, तो पहले पी निकाल लेंगे। पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस एच, एच कितना है दोस्तों 13, बी कितना है 5, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, माइनस कर दिया 144, जिसका रूट होता है 12, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, 169 में 25 गया 144, इसका वर्गमूल होता है, देखिए पी का वैल्यूएशन कितना आ गया दोस्तों 12। क्या निकालने के लिए बोला है साइन थीटा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाय एच, तो पी का वैल्यूएशन कितना लाए हैं 12, और एच कितना है 13। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी बाय एच, बी कितना है दोस्तों 5, एच कितना है 13, आंसर उधर कितना सिंपल। चलिए हो गया, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में एक दूसरा फिगर भी है, इसको बनाने की कोशिश कीजिए, देखिए बनता है या नहीं। सेम मेथड से बनाना है, पी दी एच दिया है, बी दिया है, पी निकालना है आप लोग को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 22 तक, सॉरी 23 तक एक ही क्वेश्चन दोस्तों, सेम प्रोसेस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 23 तक का क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा भी चेंज नहीं है, लेकिन आप कोई भी एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, सब में एक ही काम करना है। मान लीजिए हम क्वेश्चन नंबर 8 का बताते हैं दोस्तों, देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि साइन थीटा बराबर 3/5, देखिए दोस्तों यदि साइन थीटा बराबर
तीन बटा पांच। तो आपको मान निकालना है, मान लीजिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा, मतलब छह गो में एक गो दिया रहेगा, समझिए क्वेश्चन नंबर छह से लेकर के क्वेश्चन नंबर तेईस तक यही काम करना है, एक दिया रहेगा भर क्वेश्चन में। अब देखिए एक तरफ से देखिए कॉस थीटा का मान दिया है, टेन का मान दिया हुआ है, साइन का मान दिया हुआ है, सबका मान दिया हुआ है, आपको बाकी सबका मान, मतलब छह में से एक का मान दिया है, बाकी सबका मान निकालना सिंपल है। कैसे निकालते हैं एक वो सीख लीजिए, मान लीजिए साइन थीटा बराबर तीन बटे पांच है ना, साइन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, पी बाय, साइन का सूत्र होता है पी बाय एच बराबर तीन बाय। अब देखिए पी का मान दिया है कितना तीन, एच का मान दिया है कितना पांच, क्या निकालना दोस्तों बी, पी दिया है एच दिया है, बी तो नहीं दिया है, बी निकालेंगे, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस, पहले बोले जब भी छोटा का मान निकालना हो बड़ा में छोटा घटा दीजिए स्क्वायर, एच है पांच पी है तीन, पांच का स्क्वायर पच्चीस, तीन का स्क्वायर नौ, पच्चीस में नौ गया सोलह, सोलह का बड़मूल होता है, देखिए बी का मान कितना गया। अब जिसका बोला है निकालते रहिए बैठ के, कॉस कॉस का सूत्र क्या होता है बी बाय, बी का मान कितना लाए चार, एच का मान है टेन, टेन का सूत्र होता है पी बाय, पी का मान कितना है पी का मान तीन, बी का मान है चार, बोला है सेक एच बाय बी, एच का मान है पांच, बी का मान है चार, देखिए हो गया कितना सिंपल। तो जो भी एक दिया हुआ रहे पहले एक और निकाल लीजिए, उसके बाद मान रखिए। इस प्रकार दोस्तों 23 तक आप लोग बनाइएगा और जहां दिक्कत है वहां पूछिएगा।